नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। पिछले महीने 28 मार्च को 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में तबियत बिगड़ने से मौत हो गई थी। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी, लेकिन परिवार ने और मुख्तार अंसारी के वकील ने जहर देने से मौत होने का आरोप लगाया था। मौत से पहले मुख्तार अंसारी ने अपने वकील को बताया था कि उनको जेल में खाने में जहर दिया जा रहा है, और उसके बाद उसके कुछ दिन बाद बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है, उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। परिवार के आरोपों के मुताबिक मुख्तार की मौत की जांच चल रही थी कि मौत हुई कैसे, और सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार भी था कि रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, मुख्तार अंसारी की मौत हुई कैसे। ये सवाल सभी के मन में चल रहा था कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई या फिर जहर की वजह से, जिस तरह से परिवार ने, वकील ने और मौत से पहले मुख्तार ने जो आरोप लगाए थे, जो बातें गई थी, उसकी जांच चल रही थी। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद विसरा रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट में जहर नहीं दिए जाने की पुष्टि हुई है, यानी कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई थी, जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। और पीएम रिपोर्ट में भी मौत की वजह हार्ट अटैक निकलकर सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से परिवार के आरोप थे, वकील के आरोप थे, तो उसको लेकर जांच चल रही थी कि मुख्तार की मौत हुई कैसे। विसरा रिपोर्ट न्यायिक जांच टीम को भेज दी गई है और विसरा जांच में जहर दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई। बता दें कि 28 मार्च की देर रात बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजन ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए उन्हें जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, और मुख्तार की मौत के मामले की मजिस्ट्रेट और न्यायिक जांच हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक से मौत की भी पुष्टि हुई थी, वही अब विसरा रिपोर्ट भी सामने आ गई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद थे, उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे चल रहे थे। राजनीति की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने अपना दबदबा बना कर रखा था, उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद वह चुनाव जीत रहे। मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक रहे, वही उन्होंने 15 साल से ज्यादा वक्त जेल में काटा, और 3 विधानसभा चुनावों में मुख्तार अंसारी ने जेल में रहकर ही जीत हासिल की। अब आप समझ सकते हैं कि जनता के बीच उनकी फिजा कैसी रही होगी कि जेल में रहकर भी वो 3-3 बार चुनाव जीत लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो विसरा रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि ये होती क्या है। क्या तो किसी की मौत हो जाने के बाद अगर पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराती है तो इस दौरान मरने वाले के शरीर से विसरल पार्ट यानी कि आंत, दिल, किडनी, लीवर आदि अंगों का सैंपल लिया जाता है, उसे ही विसरा कहा जाता है। अगर किसी शख्स की मौत संदिग्ध हालत में होती है, उसकी मौत के पीछे पुलिस या परिवार को किसी भी तरह का शक होता है, तो ऐसे मामलों में मौत की वजह जानने के लिए विसरा की जांच की जाती है। विसरा की जांच केमिकल एग्जामिनर करते हैं, वो विसरा की जांच कर या पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मौत कैसे हुई और मौत की वजह क्या थी। विसरा रिपोर्ट को न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, तो मुख्तार अंसारी की भी अब विसरा रिपोर्ट आ चुकी है, और विसरा रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, बल्कि जहर से मौत उनकी नहीं हुई है। यही पीएम रिपोर्ट में भी, जो मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें भी यही निकल कर आया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब परिवार का रिएक्शन क्या होता है, इस पर वकील क्या कुछ कहते हैं, इसका इंतजार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM।